नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों हम आंगनवाड़ी आशा वर्कर संबंधित किसी भी राज्य की कोई भी खबर होती है लगातार आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज हो चुका है 6 अगस्त 2019। सभी राज्यों की 10 बड़ी खबरें हम देखने वाले हैं, जिसमें मुख्य खबरें हैं बहनों का 7 महीने का रुका है मानदेय है वो रक्षाबंधन तक है मिलने वाला है। साथ ही सभी केंद्रों को राशन के बदले है अब पैसा मिलने वाला है। साथ ही जल्दी ही बहनों का मानदेय है वो 18,000 रुपये तक, साथ ही पेंशन है वो 6,000 रुपये तक मिलने वाली है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि संसद में आपका सम्मान काम सम्मान वेतन, साथ ही न्यूनतम वेतन का बिल है वो पेश हो चुका है। अगर वो दोस्तों इस सत्र में आपका पास हो जाता है तो आपका न्यूनतम वेतन है वो फिक्स किया जाएगा। तो इस वीडियो में सभी खबरें हम पूरे डिटेल से देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि आंगनवाड़ी आशा वर्कर से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो मानदेय से संबंधित हो या आपके स्थायीकरण से संबंधित हो, लगातार हम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। साथ ही आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, आप कौन से राज्य में आंगनवाड़ी में कार्य करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आपके राज्य की आंगनवाड़ी संबंधित कोई भी न्यूज होगी तो दोस्तों हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाएंगे। तो सभी न्यूज पूरा डिटेल से हम देख लेते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो रही है डिजिटली अपडेट, तो पूरा न्यूज देख लेते हैं कि आपका पूरा न्यूज। आंगनवाड़ी केंद्रों में छात्र छात्राओं व गर्भवती महिलाओं को किसी भी प्रकार की मुश्किल न हो, इसके लिए वर्ष 2018-19 में शासन ने जिले में किराए के भवन या फिर प्राथमिक विद्यालय अथवा आपका ग्राम सचिवालय में संचालित 45 केंद्रों को अपना भवन देने की मंजूरी प्रदान की थी। बताते चलें कि मौजूदा समय में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 2548 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं, इनमें से 177 के पास अपना भवन है, जबकि 132 किराए के भवन में संचालित हैं। शेष 2239 आंगनवाड़ी केंद्र प्राथमिक विद्यालय साथ ही ग्राम सचिवालय में है वो संचालित हो रहे हैं। किराए के भवन वह आपका प्राथमिक विद्यालय और ग्राम सचिवालय में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में छात्र छात्राएं और गर्भवती महिलाओं को अक्सर विभिन्न मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके मद्देनजर रखते हुए हैं वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बड़ा फैसला लिया। यही दोस्तों जो आपको मैं न्यूज बता रहा हूँ वह है जसपुर नगर की। आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रवेशकों की कार्यकर्ताओं साथ ही सहायकों के लिए नई पहल की है। इसके जरिए जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता साथ ही सहायकों को केस एप्लीकेशन ऐप की रिवाइज ट्रेनिंग दे रहे हैं। डिजिटल इंटरनेट के जरिए शासन की विभिन्न योजनाओं की किस तरह जानकारी ली जा सकती है इसके बारे में भी बताया जा रहा है। स्मार्टफोन के जरिए शासन से जुड़े कौन कौन से काम किए जा सकते हैं, इंटरनेट से कौन कौन से फॉर्म भरे जा सकते हैं, अपने आसपास की महिलाओं के बीच घर परिवार की डिजिटल जागरूकता कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये तमाम बातें भी सिखाई जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्र में काम करने वाली प्रभारी और साथ ही सहायिकाओं को है इंटरनेट के इस्तेमाल में क्या दिक्कत आती है इसके बारे में उनसे पूछ कर है वो समाधान किया जा रहा है। आंगनवाड़ी केंद्र में घुसा पानी, तो पूरा न्यूज देख लेते हैं आपका कहां का न्यूज है। जैसे कि आप देख सकते हैं फोटो में भी वहां आंगनवाड़ी केंद्र में पानी घुस चुका है। कस्बे सहित पास के ग्रामीण इलाकों में हो रही बारिश के निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। ग्राम ओडिंग के आपके आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 1 में बरसाती पानी घुसने से स्टाफ को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कांता देवी ने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र गांव आम गुआड़ के पास स्थित है। गुआड़ से बारिश के पानी की निकासी नहीं होने के पानी आंगनवाड़ी केंद्र में भर रहा है, जिसे केंद्र में पड़ा सामान भी खराब हो गया है। उन्होंने बताया कि इसको लेकर सोमवार को लाडनू स्थित महिला और बाल विकास कार्यालय में अवगत करवाया गया है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं साथ ही आपकी सहायिकाओं का होगा बीमा, पूरा न्यूज देख लेते हैं क्या आपका न्यूज। बीमार होने पर मिलेगी मदद, विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ऐसी कार्यकर्ताओं जिनका बीमा किया गया उनकी मृत्यु हो गई या उसको 30,000 रुपये की सहायता मिलेगी, साथ ही गंभीर बीमारी होने पर 20,000 रुपये सहायता मिलने वाली है। कार्यकर्ताओं को गंभीर बीमारी होने पर महिला और बाल विकास की ओर से जानकारी अपडेट कर सहायता के लिए है वो भेजी जाएगी। बच्चों को भी मिलेगी छात्रवृत्ति। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत ऐसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता साथ ही सहायकों जिनके बच्चे कक्षा 9 से 12 पढ़ रहे हैं या फिर ITI में प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनकी त्रिमासिक में 300 रुपये बीमा राशि छात्रवृत्ति के रूप में है वो दिए जाएंगे। इनका कहना है कि वो जल्दी योजना भी लागू की जाएगी। जिले में खुलेंगे 272 नए आंगनवाड़ी केंद्र, तो पूरा न्यूज देख लेते हैं। पीलीभीत का आपका न्यूज है, पूरे जिले में अब 272 आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। शासन ने आदेश जारी किया है, कार्य भी शुरू कर दिया है। जिले में कुछ स्थान पर आपके आधे केंद्रों पर निर्माण भी लगभग पूर्ण हो चुका है। अगर नेक्स्ट बात करें तो आपका प्रभारी जिला कार्यक्रम
अधिकारी अरविंद कुमार अनुसार शासन के मंशा के अनुसार जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों को अब खुद भवन में संचालित किया जाएगा, जिसके लिए शासन स्तर से पैसा भी आवंटित कर दिया गया है। जिले के अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र अभी तक किराए के भवनों में है, वो संचालित किए जा रहे हैं। नए आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। जिले में आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं, वही किराए के भवनों में काम चलाया जा रहा है। अब पूरे जिले में 272 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का है वो निर्माण कार्य होना है, जिसमें 133 का जनवरी में भी पैसा मिल गया है, जो वही शेष 139 निर्माण कार्य के लिए जुलाई में पैसा आवंटन कर दिया गया है। निर्माण कार्य नरेगा साथ ही विभाग के द्वारा किया जाएगा, जिसमें 2 लाख रुपये तक की लागत विभाग साथ ही 4 लाख रुपये मनरेगा से खर्च किए हैं, जिसका निर्माण कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाएगा। साथ 198 भवनों को हैंडओवर भी कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं, आंगनवाड़ी सेंटरों में फंसा फंड का पेज। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ आपका आधा अधूरा आंगनवाड़ी केंद्र है वो बना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के जिले में आंगनवाड़ी सेंटरों के निर्माण का कार्य फंडों के अभाव में करीब 3 वर्ष से अधर में लटका है। साथ ही आपका सामाजिक सुरक्षा स्त्री और बाल विकास विभाग की ओर से करीब 3 वर्ष पहले ही जिले में 28 गांव में नए आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। राज्य सरकार ने प्रति केंद्र पर 4.5 लाख रुपये खर्च करने थे, जिसमें 2 लाख रुपये 25,000 रुपये की राशि पहले किस्त दी जा चुकी है। साथ ही लेकिन दूसरी किस्त ना पूर्व अकाली भाजपा सरकार की ओर से जारी की गई, न ही मौजूदा कांग्रेस की तरफ से है अभी तक की गई है। इसके चलते आधा अधूरा काम होने से है वो काम पूरा ठप हो चुका है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ के आपके अधूरे, जैसे कि यहाँ चंड सिंह वाला सेको, यहाँ के आधे अधूरे आपके आंगनवाड़ी के अंदर है वो बने हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं, तो आंगनवाड़ी वर्कर बनेंगी मुख्य सेविका। तो कैसे है, वो आंगनवाड़ी सेविका है, सॉरी आपके आंगनवाड़ी वर्कर है वो सेविका बनने वाली है। सब कुछ ठीक चला था, विभाग ने गंभीरता दिखाई तो बाल विकास और सेवा पुष्टाहार विभाग जुड़कर काम कर रही आंगनवाड़ी वर्कर यानी कार्यकर्त्री को मुख्य सेविका का पद सौंपा जाएगा। शासन स्तर से यह पहल करते हुए ऐसी वर्करों को सूची मांगी है। बाल विकास विभाग निदेशालय के निदेशक शत्रु सिंह ने पत्र जारी कर जिले में सूची मंगवाई है। उधर महकमा निदेशालय स्तर से तय मानक के अनुसार वर्करों की सूची तैयार करने की कवायद में जुट गया है। किसकी मांगी गई है सूची? आंगनवाड़ी वर्कर से मुख्य सेविका के पद पर पदोन्नति के लिए उन आंगनवाड़ी वर्करों की सूची मांगी गई है जिनकी सेवा 1 जुलाई तक 2017 तक है, आपकी 10 वर्ष हो चुकी है। साथ ही उनकी आयु भी 50 वर्ष से अधिक हुई है। इनके बीच में मेरिट तैयार की जाएगी, साथ ही उनकी प्रमोशन की प्रक्रिया है वो जारी की जाएगी। क्या देनी है जानकारी? निदेशालय को स्तर से मांगी गई जानकारी में आंगनवाड़ी वर्करों की जन्मतिथि, उनके योगदान की तिथि, उनके वर्ग शैक्षणिक योग्यता, दिव्यांग है तो दिव्यांगता के प्रकार की जानकारी उनको देनी है। निदेशालय स्तर से 1 जुलाई 2017 को है 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने के सॉरी आपका सेवा पूर्ण करने के आंगनवाड़ी वर्कर की जानकारी मांगी गई है। सूची तैयार कर की जा रही है, जिसे अति शीघ्र निदेशालय को भेजा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं, 45 आंगनवाड़ी केंद्र को जल्द मिलेगा अपना पक्का ठोर। तो पूरा न्यूज देख लेते हैं, क्या आपका पूरा न्यूज अम्बेडकर नगर का न्यूज है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में किराए के भवन साथ ही फिर प्राथमिक विद्यालय अथवा ग्राम सचिवालय में संचालित 45 आंगनवाड़ी केंद्रों को शीघ्र अपना भवन मिलेगा। शासन की मंजूरी के बाद 3,38,40,000 रुपये की लागत से कार्यदायी संस्था REES साथ ही PW द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। साथ ही संबंधित आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण में लगभग 6,000 छात्र छात्राओं गर्भवती और धात्री महिलाओं को लाभ है इसका मिलने वाला है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं, आंगनवाड़ी में राशन के बजाय मिलेगी नकदी। UP और राजस्थान के 2-2 ब्लॉक में पायलट प्रोजेक्ट, ये दोस्तों यहाँ आपकी शुरुआत कर दी गई है। जल्दी ही अगर ये प्रोजेक्ट आपका है सफल रहा तो सभी राज्यों में ये आपका प्रोजेक्ट है वो लागू भी किया जाएगा। तो पूरा न्यूज देख लेते हैं, आंगनवाड़ी में सशर्त नकद स्थानांतरण योजना के पायलट प्रोजेक्ट पर समिति बन गई है। इसके लिए राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 2-2 ब्लॉक पर आपका चयन हुआ है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को 6 साल से कम आयु के बच्चों को स्तनपान कराने वाली माताओं को आपका राशन के बजाय नगद राशि मिलेगी। ये फैसला पोषण अभियान के समीक्षा में बैठक में हुआ, जिसमें नीति आयोग, महिला और बाल विकास, साथ ही पंचायती राज, रिन्यूएबल एनर्जी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने है वो शिरकत की है।
जो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं ब्लॉक के लिए, राजस्थान की चाकसू साथ ही वकीसगंज ब्लॉक उत्तर प्रदेश के चिन्हट और खेराबाद ब्लॉक को है वो चुना गया है। नेक्स्ट न्यूज हम देखें तो राष्ट्रीय पोषण परिषद ने की थी सिफारिश। पिछले साल राष्ट्रीय पोषण परिषद ने महिला बाल विकास मंत्रालय को सशर्त नगद प्रस्तावन की सिफारिश कर उसका पायलट प्रोजेक्ट चलाने को कहा था। इसमें देखा था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का भ्रष्टाचार रुक सकता है तो राशन के बजाय नकदी ज्यादा मुसीब माध्यम होगा। तो दोस्तों ये थी आज की यानी आपकी 6 अगस्त 2019 की सभी राज्यों की 10 बड़ी खबरें। ऐसी न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।